हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का क्लास बहुत ही धमाल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को डील करेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है कॉलोनल जनन में या फिर सोमा कॉलोनल विभिन्नताओं का प्रेरण में या फिर संकर अवरोधकों को दूर करना या फिर विषाणु मुक्त पौधे विकसित करना। तो भ्रूण संवर्धन जो प्रयुक्त होता है यानी एम्ब्रियो कल्चर इज यूज्ड इन, तो ये जो होता है सोमा कॉलोनल विभिन्नताओं का प्रेरण में यानी इंडक्शन ऑफ सोमा कॉलोनल वेरिएशंस, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए के बारे में पूछा गया है कि डीएनए शुद्धिकरण के दौरान यानी ड्यूरिंग डीएनए प्यूरिफिकेशन दौरान जो होता है पादप कोशिकाओं के लिए कौन सा एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है, लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज या फिर क्यूटिनेज। तो सेलुलोज को व्यवहार में लाया जाता है जब ड्यूरिंग जब एक तरह से डीएनए का प्यूरिफिकेशन होता है यानी शुद्धिकरण होता है, तो उस दौरान जो पादप कोशिकाओं में जो एक तरह से एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है तो वो कौन सा एंजाइम हो जाएंगे, सेलुलोज को व्यवहार में लाया जाता है। इस तरह से बिल्कुल मेरा राइट आंसर क्या होता है दूसरा नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे डील करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा और जो क्वेश्चन आपसे डील नहीं होता है वो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और वो स्क्रीनशॉट को एक दो बार देखेंगे तो आपको पक्का 100% याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करा कि वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव है, किसके द्वारा पॉसिबल है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के या फिर इके बना तकनीक के या फिर उत्तक संवर्धन के माध्यम से या फिर क्रोमोसोमल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो संभव है या जो पॉसिबल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से पॉसिबल है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना क्या है, संभव है, पॉसिबल है, ठीक है, यानी संभव हुआ है, पॉसिबल हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे डील करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इटाई रोग उत्पन्न होता है किसके कारण उत्पन्न होता है भाई, यानी इटाई डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू आर्सेनिक या फिर नाइट्रेट या फिर पारद या फिर कैडमियम। तो ये जो होता है उत्पन्न होता है कैडमियम के कारण उत्पन्न होता है, सीडी, कैडमियम का संकेत क्या होता है, सीडी। तो कैडमियम के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, इटाई रोग उत्पन्न होता है, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है। आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे, ठीक है, बाद में आप लोग का कमेंट भी देखेंगे, यहाँ आप लोग पहले क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है, जिब्रेलिन के द्वारा या फिर साइटोकाइनिन के द्वारा या फिर ऑक्सिन को द्वारा या फिर एथिलीन के द्वारा, ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन के साथ। तो ये जो प्रेरित होता है ये ऑक्सिन के द्वारा प्रेरित होता है, यानी रूट फॉर्मेशन इन कैलस कल्चर इज इंड्यूस्ड बाय क्या हो जाएगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन के द्वारा क्या होता है, प्रेरित होता है, ठीक है। तो कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, ऑक्सिन के द्वारा। आगे डील करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होता है क्या होता है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं। तो जनरली जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं रेप्लिकेशन का एक ओरिजिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उद्भव स्थल, ठीक है, यानी रेप्लिकेशन का एक ओरिजिन पाया जाता है किसमें, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर था, ऑप्शन क, यानी छठा नंबर क्वेश्चन मेरा डील हो गया। आगे डील करेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ये तो सबको पता होना चाहिए कि विश्व में जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी या फिर 10 अप्रैल या फिर 7 अगस्त या फिर 5 जून। तो सबको पता है कि 5 जून को क्या मनाया जाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाते हैं, यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाते हैं 5 जून को, ठीक है। आगे डील करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि नील डे सिंड्रोम किसके द्वारा होता है, नील डे जो सिंड्रोम होता है ये किसके द्वारा होता है, टीडीएस की अधिकता के या फिर एक्सेस ऑफ टीडीएस यानी क्लोराइड या फिर क्लोराइड की अधिकता के कारण या फिर घुली हुई ऑक्सीजन की अधिकता के कारण या फिर मेथेनोग्लोबिन के कारण। तो जो होता है ये मेथेनोग्लोबिन के कारण क्या होता है, नील डे सिंड्रोम होता है, यानी ब्लू बॉडी सिंड्रोम इज ड्यू टू क्या हो जाएंगे, मेथेनोग्लोबिन इसका कारण हो जाएंगे, काउज हो जाएंगे, ठीक है, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। आगे डील करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त प्रकट होने वाली जो विभिन्नता है वो कौन सी, वेरिएशंस फाउंड इन टिश्यू कल्चर। तो कौन सा विभिन्नता पाया जाता है उत्तक संवर्धन में, सोमा कॉलोनल विभिन्नता या फिर कॉलोनल विभिन्नता या फिर दैहिक विभिन्नता या फिर उत्तक संवर्धन विभिन्नता। तो उत्तक संवर्धन में जो प्रकट होता है, जो विभिन्नता जो प्रकट होता है वो होता है सोमा कॉलोनल विभिन्नता, यानी सोमा कॉलोनल वेरिएशन से प्रकट होता है, यानी शो होता है, ठीक है,
फाउंड होता है, पाए जाते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे हम डील करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन करा कि वाहिद जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है या फिर प्रयोग होता है, ठीक है, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, तृतीयक उपचार या फिर सभी, ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड, तो कौन सा सेकेंडरी फेज में यानी द्वितीयक उपचार में, ठीक है, यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वाहिद जलमल उपचार की किस स्टेज में सेकेंडरी यानी द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैनल पर पूरी तरह से आप लोगों को तैयारी कराई जाती है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो मेन पॉइंट होता है, जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, वो सारा चीज इसमें आपको कवर कराया जाता है, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ऑलरेडी सब वीडियो कवर किया गया है और वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको कवर करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव, किसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी, जो भी आपको पढ़ना है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी पढ़ना है, वो सारे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैनल के। अगर वहां भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो प्लीज जाकर के दो चार वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो आप तो कमेंट करके देख सकते हैं, आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम अगर आपका 2022 में अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया, आगे बढ़ेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है, ठीक है, निरोधक जीन या फिर रिप्रेसर जीन या फिर ऑपरेटर जीन या फिर प्रोमोटर जीन, यानी रेगुलेटर जीन जो कहा जाता है उसको एक नाम दिया जाता है, तो इसको जो कहा जाता है नियंत्रक जीन को, यह कहा जाता है इनहिबिटरी, यानी इनहिबिटरी जीन कहा जाता है, निरोधक जीन कहा जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूकेरियोट समय इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है, किस जीन की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये जो जनरली जो काम करता है, ये काम करता है नियंत्रक जीन की तरह, यानी इनहिबिटरी जीन की तरह काम करता है, ठीक है, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। फटाफट हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे, ज्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं की जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा है, दालों में जो अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जो जोड़ा होता है वो कौन सा जोड़ा होता है, वो आपको पूछा जा रहा है। तो दालों में जो अनुपस्थित जो होता है एमिनो अम्ल का जोड़ा, तो वो होता है मेथियोनिन व सिस्टीन, मेथियोनिन व सिस्टीन, ठीक है, यानी 13वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच जो बंधन होता है, जो बॉन्ड होता है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो सबको पता है पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच जो बॉन्ड पाए जाते हैं उस बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। व्हिच टाइप बॉन्ड फाउंड फॉर्मेट बिटवीन टू एमिनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस, तो क्या हो जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 15 की ओर, क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित किया जाए या फिर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं या फिर ट्रांसवर्सन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, फिर इन्वर्सन कहते हैं, तो इसको जो जनरली कहा जाता है ट्रांसवर्सन कहा जाता है, यानी जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सन कहेंगे, ठीक है, यानी बिल्कुल मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। आगे डील करेंगे, क्वेश्चन करा कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उनको क्या कहते हैं, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उसको तो क्या कहते हैं, उसको जनरली क्या कहा जाता है, तो एंडोस्पर्मिक के नाम से जाना जाता है, द मैच्योर सीड व्हिच कंटेन्स एंडोस्पर्म इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक कहेंगे, ठीक है, एंडोस्पर्म जो पाया जाता है एंडोस्पर्मिक कहलाएंगे, यानी बिल्कुल मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। आगे डील करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन से डैश का निर्माण होता है, ये तो सबको पता है जायगोट का निर्माण होता है, जब पुरुष और स्त्री के युग्मक का जो एक तरह से जो होता है युग्मक के मिलने से क्या मतलब फॉर्मेट होता है, क्या बनता है, तो वो जो फाउंड बनता है, जो बनते हैं क्या बनते हैं, जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, तो खाली जगह क्या भरा जाएगा, जायगोट यानी युग्मनज भरा जाएगा। आगे डील करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि संगर्भता के दौरान या फिर संगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं, ठीक है, बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फेटस डेवलप्स, क्या क्या डेवलप होते हैं, क्या क्या मतलब जो होता है विकसित हो जाते हैं, सिर पर बाल या फिर सभी प्रमुख अंग या फिर पाद एवं उंगलियां या फिर पूर्ण रूप से सभी अंग, तो क्या होंगे, पाद एवं उंगलियां, लिम्ब्स एंड डिजिट्स, लिम्ब्स एंड डिजिट्स क्या होते हैं, डेवलप से हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होगा। आगे डील करेंगे, क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, शुक्राणु में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो कौन-कौन सा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो शुक्राणु में कौन सा क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ठीक है,
आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया है, तो इनमें से कोई नहीं यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। शुक्राणुओं में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। 1900 नंबर क्वेश्चन का आगे ड्रिल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेक्शन स्त्रावित करता गर्भाशय से या फिर रिलेक्शन स्त्रावित होता गर्भाशय से या फिर अपराशय से या फिर डिंब वाहिनी नलिका से जिसको फलोपियन नलिका कहते हैं या फिर अंडाशय से, ठीक है। तो ये जो एक तरह से स्त्रावित होता है, ये जो सेक्रेट होता है, ये कहां से सेक्रेट होता है, तो ये जो होता है अंडाशय से सेक्रेट होता है, यानी ऑप्शन बी मेरा ओवरी से निकलता है रिलेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है 200 नंबर क्वेश्चन का। आगे डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं में शल्य क्रिया यानी महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नलिका उच्छेदन या फिर शुक्रवाहक उच्छेदन या फिर अंतररोप या फिर रोधक, क्या कहते हैं उसको, सर्जिकल स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल नॉन एज क्या कहलाता है उसको। तो ये जो कहे जाते हैं इसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहे जाते हैं यानी नलिका उच्छेदन कहे जाते हैं। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बध्याकरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी कहेंगे, ठीक है। आगे डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नर जर्मिनल में कोशिका होती है, नर जर्मिनल कोशिका होती है द्विगुणित अगुणित त्रिगुणित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जनरली जो ये होते हैं क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं यानी डाइपोलाइड होते हैं। मेल जर्मिनल सेल्स आर डाइपोलाइड, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाकू जिसको क्या कहते हैं, गोनोरिया, यहां आप देख लीजिए सुजाकू किसको, सुजा क्या कहते हैं, गोनोरिया का एक अलग नाम है सुजा। तो सुजा रोग जो होता है कहां होता है, जल जनित रोग या फिर हवा जनित रोग या फिर यौन संचरित रोग या फिर रोग नहीं है, ठीक है। तो इसको सबको पता है कि ये क्या है, यौन संचरित रोग है या यौन की एक तरह से बीमारी होती है, लेडीज में पाए जाते हैं। तो सूजा के यानी गोनोरिया रोग कहां होते हैं, क्या है मतलब, तो यौन संचरित रोग है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होता है बिल्कुल। आगे डील करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोफोबिया एवं एड्स होता है, तो ये किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, कृमि के कारण, वायरस के कारण, जीवाणु के कारण। तो हाइड्रोफोबिया और एड्स जो होता है ये तो सबको पता है, ये किसके कारण, वायरस के कारण होता है, यानी हाइड्रोफोबिया एंड एड्स आर कॉज्ड बाय वायरस, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है। आगे पूछा गया है कि बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव से किया जाता है, तो आप देखेंगे कि बच्चे छोटे छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है यानी बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है। अगर आप आंगनबाड़ी साहब में जाएंगे, आंगनबाड़ी में वहाँ आती है जो भी आशा आती है, जो भी ट्रीटमेंट, जो भी वैक्सीन लगाने के लिए आती है, तो छोटे बच्चे को क्या बीसीजी का टीका लगाया जाता है यानी बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। तो ये बीसीजी का जो बीमारी है, किस बीसीजी जो इंजेक्शन है, टीका है, ये बच्चों को किस बीमारी से दूर रखता है, बच्चों को किस बीमारी से बचाव करता है, ठीक है, यही आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो जनरली बचाव करता है क्षय रोग क्या, यानी ट्यूब जिसको क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, क्या कहते हैं उसको, ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है, ठीक है। तो बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है, किस बीमारी के बचाव के लिए किया जाता है, तो क्षय रोग यानी टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है बच्चों को, ठीक है। आगे डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल उच्च दुग्ध उत्पादक की है, ठीक है, कौन सी, यहां चार नस्ल है, डोरसेट है, होल्स्टीन है या फिर पाश्मीना है, उसके बाद नैरोल है, ठीक है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ हाई यील्डिंग मिल्क ब्रीड ऑफ काउ, ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने रखा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा होलेस्टीन, यानी होलेस्टीन उच्च दुग्ध उत्पादक होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है, निम्न में कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है, तो ये जो है बाम बेटक मछली, एक प्रकार का मछली होता है, ये समुद्र में पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि मधुमक्खी का पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं, सबको पता है एपिकल्चर के नाम से जाना जाता है, यानी मधुमक्खी का पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी को पालना बी कीपिंग इस कॉल्ड एपिकल्चर, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर होता है। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 28 क्वेश्चन कवर किए। कहीं भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी एमसीक्यू बनते हैं, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो भी चीज आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल होता है, वो सब की तैयारी कराई जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक तरह से कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, नहीं लगा, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो टोटल 28 क्वेश्चन कवर किया, आप लोग से रिपीट भी कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और आप लोग का एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मन लगा करके पढ़ें, और ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, और टाइम को एक तरह से मैनेज करते हुए चलें, ठीक है। तो टोटल कितना क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन कवर किए, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन कवर करते रहेंगे। रखिए फिर अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।